नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट ओडिशा के बारे में। ओडिशा जो है भारत के ईस्टर्न रीजन पे लोकेटेड है। ओडिशा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। उत्कल जो वर्ड है वो हमारे नेशनल एंथम जनगण मन में भी मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं ओडिशा का फॉर्मेशन। ओडिशा का जो फॉर्मेशन है वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ओडिशा का जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो थे कृष्णचंद्र गजपति, जो कि 1 अप्रैल 1936 to 19 जुलाई 1937 तक थे। अभी जो करंट सीएम है वो है श्री नवीन पटनायक, 5 मार्च 2000 से अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर्स की बात करें तो पहले जो गवर्नर थे वो थे सर जॉन ऑस्टिन होबैक। अभी जो करंट गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल, 2018 से अभी तक गवर्नर हैं। तो चलिए ओडिशा का एरिया देखते हैं। इट इज द 8th लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया। इट्स एरिया इज 60,119 स्क्वायर माइल्स एंड 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर है। यह है ओडिशा का एरिया। फॉरेस्ट एरिया की बात किया जाए तो यह है 60,204.17 स्क्वायर किलोमीटर है। और बाकी जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो है, रिजर्व फॉरेस्ट की बात किया जाए तो 58.90% है, और प्रोटेक्टेड रिजर्व है जो ये है 40.75, और अनक्लास जो है वो है 0.35% है। ये है फॉरेस्ट एरिया। कोस्ट लाइन की बात किया जाए तो द कोस्ट लाइन ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा इज 480 किलोमीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ 6 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो है 480 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है और 6 डिस्ट्रिक्ट्स पे ये कंसिस्ट करता है, जो कि है 6 डिस्ट्रिक्ट्स बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और यह है गंजाम। और ये नॉर्थ को वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है और साउथ को आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करता है। चलिए देखते हैं बॉर्डर लाइंस। अगर हम बॉर्डर लाइंस को देखें तो नॉर्थ को यह है वेस्ट बंगाल और झारखंड। अगर वेस्ट को हम लोग देखें तो वेस्ट को है ये छत्तीसगढ़, साउथ को देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और ईस्ट को देखें तो यह है बे ऑफ बंगाल। यह है ओडिशा का बॉर्डर लाइंस। चलिए देखते हैं पॉपुलेशन। एज पर डिटेल फ्रॉम सेंसस 2011, ओडिशा हैज पॉपुलेशन ऑफ 4,19,74,218, जिनमें से मेल जो है वो है 2,12,12,136 और फीमेल जो है वो है 2,07,62,082 है। सेक्स रेशियो की बात किया जाए तो 979/1,000 है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए तो 270/स्क्वायर किलोमीटर है, और लिटरेसी रेट की बात किया जाए तो 72.9% है। ओडिशा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है ओडिया, जो कि 50 मिलियन स्पीकर बोलते हैं ओडिया लैंग्वेज। चलिए देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेजेस, जो कि यूनेस्को ने मान्यता दिया है। उनमें वो है सन टेंपल कोणार्क। सन टेंपल कोणार्क जो है उसको हमारे 10 रुपए के नोट में भी
सिंबल सिंबल में भी देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में आप देखोगे सन टेम्पल कणार्क, श्री जगन्नाथ पुरी टेम्पल, धौली, भुवनेश्वर, बाराबट्टी पोर्ट, कटक, खंडगिरी केव्स, चौसत योगिनी टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, अनंत वासुदेव टेम्पल। यह है इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। ओडिशा में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, में से अनुगुल, बौद्ध, बलांगीर, बरगढ़, बालेश्वर, भद्रक, कटक, देवघर, ढेंकानाल, गंजाम, गजपति, झारसुगुड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर, खोरदा, केवंझर, कालाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, केंद्रापड़ा, मालकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपड़ा, नयागढ़, पुरी, रायगढ़, संबलपुर, सुवर्णपुर, सुंदरगढ़। ये हैं 30 डिस्ट्रिक्ट्स ओडिशा के। चलिए देखते हैं डांस फॉर्म्स। आप देख सकते हो डांस फॉर्म जो है ये छऊ डांस है, गतिपुओ, ओडिसी, घुमुरा डांस, रणप्पा डांस, जोड़ी शंखा डांस, चौती घोड़ा डांस, संबलपुरी फोक डांस, बाघ नाच, पाइक नृत्य। ये है ओडिशा के डांस फॉर्म्स। तो चलिए देखते हैं ओडिशा के रिवर्स के बारे में। सबसे पहला है महानदी, जो कि ओरिजिन है नागरी टाउन छत्तीसगढ़, आउटफॉल जो है बे ऑफ बंगाल ओडिशा। इसका जो लेंथ है वो है 494 किलोमीटर। चलिए दूसरा देखते हैं ब्राह्मणी, इसका ओरिजिन है वेद व्यास राउरकेला डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, आउटफॉल है बे ऑफ बंगाल ओडिशा, लेंथ है 461 किलोमीटर। बैतरणी, डुमुरी ओरिजिन जो है डुमुरिया विलेज केन्द्र डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, आउटफॉल है बे ऑफ बंगाल ओडिशा, लेंथ है 360। ऋषिकल्या, ओरिजिन है माताभरी विलेज दारिंगबाड़ी हिल कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, और आउटफॉल है बे ऑफ बंगाल ओडिशा, लेंथ है 175 किलोमीटर। वंशधर, तेंतुलीपदर कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, इसका जो आउटफॉल है बे ऑफ बंगाल आंध्र प्रदेश, लेंथ है 176 किलोमीटर। नागावली, इसका जो ओरिजिन है वो है लखबहल कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, आउटफॉल जो है बे ऑफ बंगाल आंध्र प्रदेश, इसका जो लेंथ है 125 किलोमीटर। कोलाब, इसका जो ओरिजिन है सिंकरन हिल्स ईस्टर्न घाट्स कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, आउटफॉल जो है गोदावरी रिवर है, इसका जो लेंथ है 270 किलोमीटर। आगे देखते हैं इंद्रावती, इसका जो ओरिजिन है ताऊमूल रामपुर कालाहांडी ओडिशा, इसका जो आउटपुल है यह गोदावरी रिवर, और जो लेंथ है वो है 167 किलोमीटर है। आगे देखते हैं सुवर्णरेखा, इसका जो ओरिजिन है वो है नागरी विलेज रांची झारखंड, आउटफॉल जो है वो है बे ऑफ बंगाल ओडिशा, इसका जो लेंथ है वो है 81 किलोमीटर। और आखिर में जो है बुद्धा बालंगा, ये है सिमलीपाल हिल्स, सिमलीपाल हिल्स मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा है, और आउटफॉल जो है वो है बे ऑफ बंगाल ओडिशा, जो लेंथ है वो है 199 किलोमीटर है। तो चलिए आगे देख,
तो फेमस लेक्स जो है उनमें से है चिलिका लेक, कोलाब डैम, पाटो लेक, कांजिया लेक, बिंदु सरोवर, हीराकुद डैम। तो चिलिका लेक जो है ये भारत का सबसे बड़ा खारा जल का लेक है, जिसका एरिया जो है वो है 1100 स्क्वायर किलोमीटर। नेशनल पार्क, ओडिशा में सबसे फेमस जो नेशनल पार्क है उनमें से भितरकनिका और सिमलीपाल है। फेमस स्टेडियम्स हैं उनमें से है कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर, बाराबट्टी स्टेडियम, कटक, बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, बीवीएस भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर। बाराबट्टी स्टेडियम जो है वो क्रिकेट के लिए जाना जाता है। बर्ड सेंचुरीज, फेमस जो बर्ड सेंचुरीज है उनमें से चिलिका लेक, नाल बना बर्ड सेंचुरी, ये दो बहुत फेमस सेंचुरीज है बर्ड सेंचुरीज। एयरपोर्ट्स, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, राउरकेला एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, बरमपुर एयरपोर्ट, चारबाटिया एयरबेस, कटक, ये फेमस एयरपोर्ट्स हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन, ओडिशा का जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है उनमें से है जगन्नाथ टेम्पल, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, धौलीगिरी हिल्स, हीराकुद डैम, पुरी बीच, म्यूजियम ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स। और जो फेमस फेस्टिवल्स हैं दुर्गा पूजा, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कणार्क डांस फेस्टिवल, महाविशु विशुव संक्रांति, रज पर्व, रथ यात्रा, मेघो सप्तमी, मकर मेला, चाउ फेस्टिवल, पूरी बीच फेस्टिवल, नुआखाई, चातर यात्रा। रथ यात्रा जो है इनमें से सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है ओडिशा में। आज के लिए इतना ही।